अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप ही की फरमाइश पर लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस फ़िश फ्राई की रेसिपी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, इसलिए अमेजिंग है क्योंकि ये बहुत हेल्दी और रिच होती है और साथ ही साथ खाने में बहुत ही अच्छी और डिलीशियस रेसिपी है। ये हेल्थ और स्किन के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इसके बहुत से फ़वाद हैं, तो फिर क्यों ना बनाई जाए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को ज़रूर लाइक और करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलें रेसिपी की जानिब चलते हैं। ½ kg मैंने यहाँ पे दही ली है और 2 चाय के चम्मच लहसुन और अदरक को अब मैंने शामिल किया है। लेमन जूस 2 से 3 खाने के चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम चलते हैं स्पाइसेस की तरफ, जिससे हम फ़िश फ्राई के लिए बैटर तैयार करेंगे। फूड कलर 1 चाय का चम्मच, फिश मसाला 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, हल्दी 1/2 टीस्पून, खुश धनिया 2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसमें आप अनारदाना भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम इस सारे स्पाइसेस को दही में ऐड करेंगे। इस सारे स्पाइसेस को डालकर फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन को मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि फ़िश की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम स्पाइसेस यकजा हो जाएं और फ़िश के लिए बैटर अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखें, इस शक्ल में हमने बैटर को तैयार कर लिया है। अब हम एक एक करके फ़िश को इसमें कोट करेंगे। मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया था। 1 kg मैंने फ़िश ली थी। फ़िश को अच्छे से वॉश करें और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छे से आप निकाल लें और फिर इसको बैटर में इस तरीके से आप फैला दें। फ़िश के पीसेस आप बड़े छोटे अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। फ़िश के पीसेस को आपने अच्छे से मसाले में कोट करना है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने फ़िश को 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें फ़िश को फ्राई करेंगे। फ़िश को डालकर एकदम से टच नहीं करना। हमने पहले एक साइड को हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, फिर इसकी दूसरी साइड को 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। अब हमने चूल्हे की जो हीट है उसको कम कर दिया है। हमने फ़िश को अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो सके। फ़िश व्यूअर्स, ये देखें, देखने में ये बहुत ही क्रिस्पी लग रही है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी जो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। अब हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। देखने में इसकी लुक बहुत ही डिलीशियस लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरी भी फ्राई करेंगे। इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए इसकी एक साइड को हम फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम फिर हम इसकी दूसरी साइड को फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होगी। मेरी ये रेसिपी फ्राई हो चुकी है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ऑन टाइम मिल सके। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।